और रायपुर में सुबह से हो रही झमाझम बारिश और बीते 3 घंटों से तेज बारिश का दौर लगातार जारी और कई जिलों में भारी बारिश को लेकर पहले ही रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में रेड अलर्ट जारी किया गया। 4 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया और इन जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी और ऐसे में लगातार बीते 3 घंटे से जारी बारिश के चलते अब आने वाले कुछ और समय तक अगर ये बारिश इसी तरह से चलती रही तो सड़कों पर और ज्यादा पानी लगने की संभावना है। आपको बता दें कि यहां जानकारी ये मिल रही है कि 4 जिले जिसमें अब तक कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में भारी बारिश जारी है और बीते 3 घंटे से तो लगातार ये बारिश हो रही है। बढ़ते आगे, राजधानी रायपुर में मूसलाधार बारिश को लेकर जानकारी मिल रही है, जहां भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। गुड़ियारी रेल ओवर ब्रिज के नीचे पानी भरा हुआ है। रायपुर शहर के कई इलाकों में जलजमाव हो गया, राहगीरों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है और इस तरह की परेशानी, अब ये देखिए किस तरह से गाड़ियां फंसी हुई हैं और लोग मजबूरन उसी पानी में उतरकर निकल रहे हैं क्योंकि गाड़ी वहां जाकर फंस गई है। और ऐसे में यदि कहीं पानी लगा हो तो आप अपनी गाड़ी ना लेकर जाएं और किसी तरह से ऐसे पानी में जाने का रिस्क ना लें जो कि खतरनाक हो सकता है। रात से ही झमाझम बारिश का जो दौर है वो जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते राजधानी रायपुर के कई इलाकों में पानी भर चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के गुड़ियारी अंडरब्रिज के पास और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस अंडरब्रिज के पास घुटनों तक जो है पूरा पानी भरा हुआ है। वहीं कई गाड़ियां भी पानी भरी होने की वजह से फंस चुकी है। तस्वीर में आपको साफ नजर आ रहा होगा ये दूसरी गाड़ी है जो अंडरब्रिज के पास जो है फंसी हुई है। इससे पहले ही एक गाड़ी जो है 4 घंटे तक यहां फंसी रही जिसे लोगों की मदद के द्वारा जो है वो बाहर निकाला गया है। वहीं हर साल राजधानी रायपुर में जलभराव की समस्या जो है वो देखने को मिलती है। नगर निगम की तरफ से जलभराव की समस्याओं को लेकर, इसके निजात को लेकर तमाम तरह के जो है दावे किए जाते हैं, लेकिन हर बार नगर निगम के ये जो दावे हैं वो खोखले साबित होते हैं। वहीं इस साल नगर निगम के द्वारा 80% जलभराव की समस्या को खत्म करने का जो है वो दावा किया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर आप खुद देख रहे हैं कि राजधानी रायपुर के कई इलाकों में ये जलभराव की समस्या जो है वो देखने को मिलती है और अभी तक इस समस्या का पूरी तरह से निराकरण जो है वो नहीं हो पाया। न केवल राजधानी रायपुर की गुढ़ियारी बल्कि राजधानी रायपुर के कुशालपुर की मैं बात करूं, जस्सम चौक की मैं बात करूं तो यहां पर भी बीते रात से हो रही बारिश से पानी जो है पूरी तरह से वो भर चुका है। वहीं अंडरब्रिज के पास पानी भरे होने से लोगों को आवाजाही में भी जो है काफी दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। आखिर ये देखने वाली बात होगी कि नगर निगम के जलभराव की समस्या का निजात आखिर नगर निगम कब तक कर पाता है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैसी के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और कोरबा में बारिश के पानी में कार बहने लगी। उस वक्त आरएसएस नगर में सड़क पर कार बहने लगी और बाल बाल चालक की जान बची। दरअसल पोड़ी बहार रविशंकर नगर मार्ग पर हादसा सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। और जशपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से सभी नदी नाले उफान पर। बगीचा नगर पंचायत सीमा से होकर बहने वाली नदी उफान पर। बगीचा रेंगल मार्ग पर रपटे के पानी के ऊपर चलने की तस्वीर और जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे इसे पार। और भारी बारिश की वजह से बलरामपुर में स्टॉप डैम टूट गया। कृषि विभाग द्वारा ये स्टॉप डैम बनाया गया था और पहली ही बारिश में डैम में दरार आ चुकी थी जो कि अब पूरी तरह से मुकम्मल हो गई। खड़िया डीह में पुरान पारा में ये स्टॉप डैम बनाया गया था जो इस बारिश में पूरी तरह से अब क्षतिग्रस्त हो चुका है। और अंबिकापुर जिले में 2 दिन से जारी झमाझम बारिश की वजह से जिले में सभी नदी नाले उफान पर हैं और गुरगुट्टा डैम लबालब भर गया है। 3 गेट्स इसके खोल दिए गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिन में और भी भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी किया और लोगों से उफनती नदी नालों को पार न करने की अपील की है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में जहां हाई अलर्ट जारी किया है, वहां सरगुजा जिले में भी 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। सरगुजा जिले की हालात की बात करें तो जुलाई महीने में सूखा यहां पर पड़ा हुआ था, लेकिन अगस्त के शुरुआत होने से ही झमाझम बारिश से एक तरफ किसानों के चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है तो वहीं नदी नाले 2 दिनों के बारिश में उफान पर है। मैं इस वक्त घुनघुट्टा डैम पर मौजूद हैं और यहाँ का नज़ारा आप देख लीजिए कि यहाँ 8
गेट हैं, लेकिन लगातार दो दिनों से हो रही बारिश की वजह से 3 गेट को यहाँ खोल दिया गया है और प्रशासन भी अलर्ट में है ताकि किसी भी तरह का जो अनहोनी हो उसे रोका जा सके। लेकिन जिस तरह से दो दिन से लगातार बारिश हो रही है उससे एक तरफ किसानों के चेहरे में खुशी है तो दूसरी तरफ नदी नाले उफान पर हैं। श्रवण महंत, न्यूज 18, छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और बात करेंगे हमारी सहयोगी तनु वर्मा रायपुर से, तो श्रवण महंत अंबिकापुर से इस वक्त मौजूद हैं। तनु, इस वक्त कई जगह लगातार बारिश हो रही है और बीते 3 से 4 घंटे हो चुके हैं कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। आप भी सुबह जब जुड़े थे हमारे साथ उस वक्त भी बारिश हो रही थी, हालांकि अब कुछ बारिश रुकी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए बीती रात से ही राजधानी रायपुर में अच्छी बारिश हो रही है और बारिश के चलते राजधानी रायपुर के कई इलाकों में जल भराव वाली समस्या जो है वो देखने को मिल रही थी। चाहे गुढ़ियारी अंडरब्रिज की हम बात करें या जयस्तंभ चौक की हम बात करें, इसके अलावा खुशहालपुर के प्रोफेसर कॉलोनी में, भाटा गांव में कई जगहों पर, वहीं शहर के निचले बस्तियों में भी भारी बारिश के चलते जल भराव की समस्या जो है वो देखने को मिली थी। और थोड़ी देर पहले ये गुढ़ियारी अंडरब्रिज की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि यहां पर घुटनों तक पानी जो है वो भरा हुआ था। फिलहाल ये पानी जो है वो उतर चुका है और वहीं जब ये पानी भरा था तो यहां पे 2 गाड़ियां भी जो है वो फंसी थी। इसके साथ ही आवागमन भी पूरी तरह से बाधित था, लेकिन पानी के उतर जाने से अभी आवागमन भी जो है वो पूरी तरह से सुचारू कर दिया गया है। इसके साथ ही कई इलाकों में अभी भी जल भराव वाली समस्या जो है वो देखने को मिल रही है और हर साल जब जब राजधानी रायपुर में अच्छी बारिश होती है जल भराव की समस्या जो है वो देखने को मिलती है और हर साल नगर निगम की तरफ से जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। वहीं इस साल नगर निगम ने कहा था कि 80% तक वो जल भराव की समस्या को जो है वो खत्म कर देंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी जल भराव की समस्या जो की त्यों बनी हुई है और इसका कोई निजात जो है वो नहीं मिल पाया। वहीं गुढ़ियारी अंडरब्रिज की हम बात करें तो इस अंडरब्रिज को बने अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, ऐसे में इस अंडरब्रिज में भी जल भराव की समस्या देखना कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होगी। और हर साल ये जब भी तेज बारिश यहाँ पर होती है तो नगर निगम के दावे के जो है वो फोल खुल जाते हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहीं पे नाली से जो है वो कचरा साफ किया जा रहा है और इसी के बाद से ये जो निकासी का काम है जो वो यहाँ पर हुआ है। ये जो कार है वो लंबे समय से यहाँ पर जब पानी बिल्कुल स्वाभाविक है और पानी निकल चुका है तो उम्मीद है कि अब आगे ये जो बारिश होगी इससे समस्या ना हो, इसलिए वहां पर जो कचरा फंस रहा है उसे भी साफ करने की आवश्यकता है। श्रवण, आप भी पहुंचे थे डैम का जायजा लेने, क्या स्थिति है फिलहाल डैम के, और भी गेट्स खोलने की जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल, गेट के इसी तरह अगर बारिश होती रही तो और भी गेट खोलने की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है और बारिश के वजह से डैम का जो जल स्तर है वो काफी बढ़ गया है और यही वजह है कि जो सिंचाई विभाग है वो 3 गेट को फिलहाल खोले हैं और बाकी और बारिश होती है तो और भी गेट खोलेंगे। अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो कई इलाके हैं जो जलमग्न की स्थिति में है, MG रोड हो गया और सतीपारा इलाका जो निचली बस्ती है वहां पर हालात बिगड़ रहे हैं और बारिश लगातार जारी है। बीते 3 से 4 घंटे भी हो गए लगातार बारिश जारी और श्रवण जहां मौजूद है वहां इस वक्त भी बारिश हो रही है और ये हालात क्या आगे और संभलते हैं या फिर इसी तरह से बारिश जारी रहेगी देखना है मौका। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।